और गाइस वेदर देखिए, ठंड तो हल्का ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा है जो अच्छा लगता है स्टार्टिंग में। और देखिए व्यू तो आपको हज़ार बार मैंने दिखाया होगा कितना अच्छा है, एकदम एक सुकून सा यहाँ लगता है, पीसफुल। और ये रास्ता है, लोग आ जा रहे हैं। और ये वाले बिल्डिंग में आप जैसा कि देख सकते हैं पेंटिंग हो रहा है। पहले हम लोग जब छोटे थे ना, तो ये जो बाउंड्री है ये नहीं होता था और खुला रहता था, तो हम लोग खूब जाते थे वो ग्राउंड में खेलने वेलने, बहुत अच्छा लगता था। और जो मैंने आपको घर के बगल में स्कूल दिखाया था। सो गाइज, आज पापा यहाँ का फेमस चूरू वाला का लाए हैं रोस्ट रसगुल्ला और मिंट रसगुल्ला, मेरा भाई का फरमाइश था। देखिए तो हम लोग इसको टेस्ट जब करेंगे तो आपको इसका रिव्यू देंगे। दिखने में तो टेस्टी दिख रहा है, ये मिंट है और ये रोज। और यहाँ पापा मेरे कोर्ट से आए हैं अभी जस्ट, और यहाँ टीवी चल रहा है। देखिए मम्मी क्या कर रही है, यहाँ दूध खोला रही है मम्मी। हाय हाय। और बताओ मम्मी, आज खाना क्या बनाई हो? चावल दाल और सब्जी। आज का दिन कैसा जा रहा है? अच्छा, टमाटर आलू। आज सिंपल खाना मम्मी बनाई है। यहाँ दूध बाबू का खोला रही हैं। देखिए ये यही स्कूल है, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, एक मिशनरी स्कूल है। पहले हिंदी मीडियम था, अब इंग्लिश हो गया है। दिस इज गुड। सो गाइस, ये है मेरा रोज़ रसगुल्ला, मिंट वाला मैं बाद में ट्राई करूँगी, इसका रिव्यू आपको देते हैं। खाएगी खाएगी खाएगी। तो गाइस इसमें पूरा रोज़ का जो होता है पेटल्स, उसका पूरा फ्लेवर आ रहा है और बहुत ही मुँह में तो ईजिली एकदम ये मेल्ट हो जा रहा है। अब मिंट वाला मैं आपको बाद में देखती हूँ। गाइस एक चीज़ मैंने आपको बताना, मैं भूल गई थी कि ये जो रोज़ रसगुल्ला है इसमें सबसे ज़्यादा क्या टेस्ट, मतलब हम लोग को लग रहा है खाने में क्या फील हो रहा है, फलूदा जो हम लोग खाते हैं उसमें भी इसी टाइप का टेस्ट रहता है। बहुत लोगों को फलूदा भी अच्छा लगता होगा। और ये बताइए ज़रूर फलूदा कौन कौन जानते हैं, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो गाइज आज हमने ऑर्डर किया है डोमिनोज से पिज़्ज़ा और ये ब्राउनी, एक नॉन वेज पिज़्ज़ा और एक वेज, एक चिकन सॉसेज पिज़्ज़ा है और एक है पनीर, अनियन एंड पनीर या कुछ वैसी। तो अभी आपको दिखाते हैं आज हम लोग का शाम का स्नैक्स है। सो गाइज मैंने अपना ले लिया है एक पनीर एंड अनियन पिज़्ज़ा और एक चिकन सॉसेज पिज़्ज़ा, जिसमें चिकन का पीसेज इस वाले पीस में थोड़ा कम था। और मैं अभी आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। ऐसे तो डोमिनोज का बहुत अच्छा होता ही है, टेस्ट में बेस्ट होता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आई विल ट्राई दिस पनीर एंड अनियन पिज्ज़ा। आई लव पिज्ज़ा। And this chicken one. जैसे कि आप पता है डोमिनोज का तो बहुत अच्छा होता ही है पिज्ज़ा, आज भी टेस्ट में इसमें कुछ भी मतलब कमी नहीं है,
सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। और ये लोग की एक खासियत होती है डोमिनोज वालों की कि ये लोग जब आप ऑर्डर करो घर पे, इवन वहाँ जाके भी खाओ, तो ये लोग ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स भर भर के आपको देंगे। अभी भी इतना मेरे ख्याल से 20 पैकेट्स होगा, वो जो होता है ना मिनी पैकेट, तो इतना। तो ये चीज़ बहुत खासियत है, जैसे आप लोग फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो घर पे, जैसे मैगी में डाल लो या पिज्ज़ा घर पे बनाओ या बर्गर में डाल लो या फिर बन जो होता है उसमें आप उसको टोस्ट करके बटर लगा के डाल लो, ओरिगैनो चिली फ्लेक्स जो हम लोग अक्सर के घर में होता है, चाय में हम लोग खाते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है डोमिनोज का, और टेस्ट तो मतलब A1 है। तो गाइज ये था आज का वीडियो, नॉर्मल सा। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग।